कल सुबह फर्स्ट शो गोज़ आउट. सो एक्साइटमेंट तो है, नर्वसनेस है, जो हर फिल्म के पहले जो होता है वो सारा चल रहा है. बट आई गेस इट्स वन मोर फिल्म, यू नो. एंड मेरी टेंडेंसी है कि मैं ज़्यादा टेंशन ले लेता हूँ, लेकिन आई जस्ट नीड टू रिलैक्स. हमारा काम हो गया है और नाउ ऑडियंस हैज़ टू डिसाइड. सो या वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड प्रेइंग टू गणपति बप्पा. बहुत बहुत बड़ा होता है यार, क्योंकि ये फ्राइडे यू नो बहुत अरसे बाद आता है और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके चला जाता है. सो दैट फ्राइडे इज़ पैरामाउंट इन एन एक्टर्स लाइफ. और वो फ्राइडे अगर अच्छा जाता है तो बहुत खुशी होती है, और अगर नहीं जाता तो देन यू नो यू मूव ऑन एंड यू वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अनदर गुड फ्राइडे. नहीं, यही कहेंगे. अभी फिल्म रिलीज़ हो रही है कल से 23rd से. सो आप प्लीज़ थिएटर में जाइए, फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए विथ योर फैमिली एंड लेट अस नो योर फीडबैक. काफ़ी एक्साइटेड यार. मंजरी मैं काफ़ी टाइम से जानता हूँ. तो वार्निंग एक फिल्म थी पहली जो मैंने करी थी, वो हम साथ में थे. फिर किस किस को प्यार करूँ मैं साथ में. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हर न्यू फिल्म वाहताज. एंड आई थिंक श्रेयस ऑल्सो, आई फाइंड हिम अ रियली ग्रेट एक्टर. आई थिंक ही एक्ट्स रियली वेल. सो आई कांट वेट कि जो मॉन्यूमेंट है 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से, अगर वो उस पर कोई क्लेम करे तो क्या होता है. सो ये स्टोरी काफ़ी इंट्रीगिंग लग रही है ट्रेलर से. तो आई एम रियली वेटिंग टू वॉच द फिल्म एंड अंडरस्टैंड किस तरह से किसी भी वंडर पर कब्जा किया जा सकता है. मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ. आई एम हाइपर वेंटिलेटिंग राइट नाउ. बट द फिल्म हैज टर्न्ड आउट एंटरटेनिंग, सो आई एम जस्ट होपिंग एवरीबडी लव्स इट. सो आई थिंक एवरी फ्राइडे चेंजेस एन एक्टर्स लाइफ, सो आई एम होपिंग दिस विल बी दैट फ्राइडे फॉर मी एंड श्रेयस. आज पहली बार लोग पिक्चर देखने वाले हैं, तो अभी वी आर वेटिंग फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स टू कम इन. सो वी आर जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट. मैं किसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ? ऑफकोर्स मैं श्रेयस और मंजरी की परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और उससे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं स्टोरी जानने के लिए. आई थिंक जो राइटर हैं उनका काम जानने के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक सा एक कॉन्सेप्ट है और ऐसे कॉन्सेप्ट ज़्यादा बनते नहीं है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू फिगर आउट कि अगर मुझे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे कैप्चर करना है तो कुछ आज टिप्स मिल जाएंगे कि कैसे वैसे कैसे हो सकता है. दैट वी स्टार्ट शूट रियली सून, सो ऑल ऑफ अस आर वेरी एक्साइटेड. वो दोबारा हनी चूचा लाली जफर और भोली पंजाबन जब आएंगे ऑन स्क्रीन, सो आई होप कि वैसी मैजिक दोबारा रिक्रिएट कर सकें और उसी तरह से लोगों को हंसा सकें और प्यार उनका ले सकें जिस तरह से पहले. वेरी नाइस है, द शूट वॉज वेरी नाइस. वी शॉट इन बुदापेस्ट. जो लोकेशन है बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड आई थिंक इट्स अ रियली नाइस स्टोरी. एंड इवन दिनेश विजन जी जो है, आई थिंक इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर. इट्स हिज डेब्यू फिल्म, सो इवन आई थिंक एज अ डायरेक्टर इज़ फैंटास्टिंग. एंड कृति और मेरी जो एक कमराडरी है वो दिलवाले से चलती हुई आ रही है. सो आई थिंक दैट्स इट्स रियली नाइस एंड इट वॉज टू मच फन वर्किंग विद सुशांत एज़ वेल.